नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि MSCAG का जो नया बैच है वो MSCAG के लिए नया बैच मॉर्निंग में चल रहा है। MSCAG के लिए नया बैच मॉर्निंग में चल रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे से चल रहा है, ठीक है। और इवनिंग में जो बैच था वो कंटिन्यू है, लेकिन नया बैच मॉर्निंग में चल रहा है, 12 दिसंबर से शुरू हुआ है। उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 9415252572 पे या 8896131533 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पता है आपको, सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आज हम लोग की 10वीं सीरीज है, 10वें नंबर की सीरीज, और इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी MSCAG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आप ये संस्था के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर वो संपर्क करके संस्था से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा MSCAG एंट्रेंस के लिए जो कोचिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे जिनको, वो एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी ही है। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी रहा है, विगत 10 वर्षों से संस्था चल रही है, और कंटिन्यू इसका जो प्रयास रहा है वो बेहतर करने का, जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ अच्छा हुआ है। और अगर आपकी सर्किल में कोई जुड़ना चाहता है तो उसको संस्था के बारे में ज़रूर बताएं। ब्रजेश यादव, गुड इवनिंग सर जी। सभी लोग को गुड इवनिंग, जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। और लोगों को जोड़िए, फिर स्टार्ट किया जाए। आप लोग आंसर करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है, उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहता है ना। आंसर करते रहने से इंटरेक्शन बना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हीट फ्लो इन सॉयल इज डिस्क्राइब्ड बाई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीट फ्लो के लिए कौन सा ला, किस ला पे हीट फ्लो होता है सॉयल में वो, और साथ ही साथ डर्सी ला जो है वो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिक्स ला क्या डिनोट करता है, और फेरेरियर ला जो है वो क्या डिनोट करता है, और ओम का जो ला है वो क्या डिनोट करता है। तो पहले लिखा है हीट फ्लो इन सॉयल इज डिस्क्राइब्ड बाई, अगर आपको पता है तो इसका आंसर करिए, ठीक है, आंसर करिए सभी लोग। देखिए, जो ओम्स लॉ है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। जो डर्सी लॉ है ये वाटर फ्लो इन सॉयल, फिक्स ला भी वाटर फ्लो और गैस फ्लो के लिए, वाटर फ्लो, ठीक है। और जो फरोरियल ला है वो हीट फ्लो के लिए है, हीट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों ला को याद रखिएगा। ये तो मान लीजिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिक्स ला, फरोरियल ला और डर्सी ला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवम यादव जी ने कहा है, ब्रजेश भाई आजमगढ़ से हैं क्या आप? नहीं, हम आजमगढ़ से नहीं हैं, हम जौनपुर से हैं, ठीक है, आजमगढ़ से नहीं है भाई, जौनपुर से हैं। आजमगढ़ के हमारे साथ बहुत सारे हमारे बैचमेट्स आजमगढ़ से पढ़े हुए हैं। आपके यहाँ एक विद्यालय, उद्योग विद्यालय है, उससे उद्योग विद्यालय से पढ़े हुए हैं हमारे साथ लोग, है ना। और आपके यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी है ना, एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी एग्रीकल्चर है, ग्रेजुएशन होता है वहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, एयर टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्डेड बाई। देखिए, यदि वो कॉन्टिन्यूसली टर्म ना लगाया होता तो आंसर कुछ दूसरा होता, लेकिन कॉन्टिन्यूसली लगाया है तो आंसर चेंज हो जाएगा। पहला है हाइग्रोग्राफ, ये किसको डिटरमाइन करेगा, मॉइस्चर को, सो ह्यूमिडिटी को। उसके बाद है थर्मोग्राफ, टेम्परेचर से रिलेटेड जान रहे हैं। बैरोग्राफ, ये प्रेशर से,
और थर्मोमीटर है ये हीट से है। देखिए जब भी अगर मीटर लगा है तो ये कंटिन्यूअस मेजर नहीं करेगा, यदि ग्राफ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस मेजरमेंट करेगा। तो थर्मोग्राफ कंटिन्यूअस मेजरमेंट करेगा, क्वेश्चन में लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, जो एयर टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूअसली जो रिकॉर्ड करेगा वो थर्मोग्राफ करेगा। अगर ग्राफ लगा हुआ है तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली वो रीडिंग लेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अगर ग्राफ लगा हुआ है तो कंटिन्यूअसली रीडिंग लेगा, और थर्मोमीटर लगा है तो आप अल्टरनेटिवली ले सकते हैं रीडिंग। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है वाटर लॉग्ड सॉयल आर डिफिशियंट इन, जो जल प्लावित मृदाएं होती हैं, मीन्स जहाँ पर पानी की अधिकता होती है जिस सॉयल में, वो सॉयल उस सॉयल में कमी किसकी होती है। पहला यफी, यफी की कमी नहीं होती, यफी की अधिकता होती है, इसीलिए आयरन की टॉक्सिसिटी से राइस में एक डिसऑर्डर लगता है, वो कौन सा डिसऑर्डर है कमेंट करके बताइए। यमियन, यमियन भी ठीक ठाक अवेलेबल रहता है, फास्फोरस भी अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीएच गिर जाएगा तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। फास्फोरस को आपको याद रखना है 7.2 पीएच पे फास्फोरस तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और लेटराइड सॉइल में फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। एपेटाइट फास्फोरस का सोर्स है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। जो वाटर लॉग्ड सॉयल होती है उसमें जेडियन की कमी होती है, जिंक की डिफिशियंसी होती है, आप याद रखिएगा। जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज राइस में वाइडली सभी लोगों को पता है, और साथ ही साथ वाइड बड मेज में होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉल ऑफ लाइट यमेन की कमी से, मार्स स्पॉट यमेन की कमी से, रेड लीफ कॉटन में या पर्पल लीफ मेज में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अबेंडेंटली इन सॉयल, मीन्स इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है, आंसर करिए, आंसर करिए भाई आप लोग। क्या वायरस सबसे अधिक होता है, या फंगस, या बैक्टीरिया, या अर्थवर्म? सबसे ज़्यादा सॉयल में कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, आंसर करिए। रंजीत सिंघानिया जी, शिवम कुमार, मोबाइल नंबर दो भाई। अच्छा ब्रजेश यादव जी से पूछना है, ओके ओके कोई बात नहीं। अयोध्यावासी सी ऑप्शन, ब्रजेश यादव सी, शिवम कुमार ए, रंजीत सिंघानिया जी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो जो लोग दे रहे हैं उनका एक्यूरेट है, राइट है वो, ठीक है। देखिए क्रम ये है, बी ए एफ ए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमास्टिस, फंगी और एलगी। बी ए एफ ए क्रम याद रखिएगा, सॉयल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद एक्टिनोमास्टिस, और एक्टिनोमास्टिस के बाद फंगी, फंजाई, और फंजाई के बाद एलगी। बी ए एफ ए एक क्रम है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, उसके बाद फिर एक्टिनोमास्टिस, और एक्टिनोमास्टिस के बाद फिर फंजाई, फंजाई के बाद फिर एलगी। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो जब वर्षा होती है, वर्षा के बाद सॉयल से जो स्मेल आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है, और वुड को डिके करने में ये हेल्पफुल होता है, लकड़ी को सड़ाने में। नेक्स्ट, अर्थवर्म का प्रयोग जब हम कंपोस्टिंग में करते हैं तो उस प्रकार के कंपोस्ट को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा जो यूज होता है केचुआ, वो है एसेरिया फोर्टिडा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स में यूज हुआ है वो है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, और ई कोलाई का पूरा नाम है इसरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मीन्स मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो यूज हुई है क्रॉप, मेज और पी है। जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कवक न्यूरोस्पोरा है। जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंसेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर साइंटिफिक नेम है। मेज को फसल की ड्रोसोफिला कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो बैक्टीरिया है वो इकोलाई है, ठीक है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। अगला, टेंशन विथ विच वाटर इज हेल्ड इन ए सेचुरेटेड सॉयल एट द एयर वाटर इंटरफेसिज, मीन्स एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है। देखिए आप
जब माइक्रोपोर और मैक्रोपोर, सॉयल में दो तरीके के पोर होते हैं, जो मिट्टी है उसमें दो तरीके के छिद्र होते हैं, पहला है माइक्रोपोर MACRO और दूसरा है माइक्रोपोर MICRO। जब माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों वाटर और सॉयल से क्रमशः भर जाते हैं तो उस दशा को हम कहते हैं सेचुरेटेड कंडीशन। सेचुरेटेड कंडीशन मतलब जैसे आपके पास सपोज ये कपड़ा है, हमने पहना हुआ है, और हमारी सारी जितने भी पॉकेट्स हैं सब में पैसा भरा हुआ हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए सेचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी। मीन्स करंट सिचुएशन में जितना पैसा रखने की मेरे पास जगह है वो सब भर चुकी है। और ये आप जानते हैं, जब आपके पास पैसा हो, पैसा पूरा भरा हुआ है सभी पॉकेट्स में, तो टेंशन आपको नहीं होगी, जीरो टेंशन होगी। तो सेचुरेटेड कंडीशन में जो टेंशन होगा वो जीरो बार होगा, ठीक है। सेचुरेटेड कंडीशन में टेंशन कितना होगा? जीरो बार। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड? कौन सा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है? पहला है गामा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसके बाद है फिर मैलाथियन, उसके बाद फिर इंडोसल्फान, उसके बाद फिर है फास्फोमिडान। तो इसमें से आंसर करिए कौन सा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। आंसर करिए भाई सभी लोग, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है? एंटमोलॉजी का क्वेश्चन है, इंसेक्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड से। आंसर करिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है। देखिए BHC के बारे में बता देते हैं, इसको साइक्लोक्लोरोहेक्सेन कहते हैं, CCC भी इसको बोलते हैं, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन या 666 लिख सकता है, ठीक है, हेक्साक्लोरोहेक्सेन। मैलाथियन आप जानते हैं, मैलाथियन सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है, किसके लिए? हनी बी के लिए। वेजिटेबल में आप यूज कर सकते हैं, हनी बी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है, और ये कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड है। जो सिस्टेमिक है वो फास्फोमिडान है। फास्फोमिडान जो है वो कैसा इंसेक्टिसाइड है? फास्फोमिडान सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉयल इरोजनिज, मृदा क्षरण की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अवस्था कौन सी है? देखिए पहला होता है स्प्लाश इरोजन। स्प्लाश इरोजन को हम बूंद क्षरण या वर्षा की बूंद, जो जब पहली बूंद, वर्षा की पहली बूंद जब सॉयल पे गिरती है, मीन्स रेन जब होती है तो वाटर ड्रॉप्स जो गिरती हैं उससे जो क्षरण होता है उसको हम स्प्लाश इरोजन बोलते हैं। फिर रिल इरोजन है, गली इरोजन, सीट इरोजन, वाटरफॉल इरोजन, ये सब सारे टाइप हैं इरोजन के। इसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक इरोजन कौन सा है आपको बताना है, कमेंट करिए सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा है। आंसर करिए भाई लोग, सबसे ज़्यादा हानिकारक इरोजन इसमें से कौन सा है? आंसर करें, रील है या सीट है या स्प्लैश है या वाटरफॉल इरोजन है? आंसर करिए भाई। विलियम मौर्या जी, शिवम कुमार, ब्रजेश यादव जी ए ऑप्शन दे रहे हैं, साहिल 4 चौथा ऑप्शन। और लोग आंसर करिए, मोहम्मद जैद जैद सर बी ऑप्शन कर रहे हैं, शिवम बी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, डी ऑप्शन साहिल कर रहे हैं। बी ऑप्शन ही सही है, सीट इरोजन, परत क्षरण। जो सीट इरोजन है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इसके साथ जैसे ये सॉयल का, मान लीजिए आपका ये फील्ड है प्लॉट, और इसमें से एक परत ऊपर से कटकर बह जाए, ठीक है, इसकी ऊपरी परत, ये इरोजन हो जाए, क्षरण हो जाए, और ये वाटर के साथ, वाटर फ्लो के साथ जो है वो बह जाए, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस हो जाएगा, और एक परत जो उपजाऊ फर्टाइल सॉइल थी वो आपकी, उसका लॉस हो जाएगा। ये दूसरा, ये जो सीट इरोजन है फार्मर्स के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता, इसलिए ये ज़्यादा हानिकारक है। अगर मान लीजिए कोई खराब, कहीं पे कोई समस्या आ रही है, आप उसको नोटिस कर लेंगे तो आप उसको ठीक करेंगे, चेक एंड बैलेंस करने का काम करेंगे, लेकिन जो सीट इरोजन है फार्मर इसको नोटिस नहीं कर पाता, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल है, और जो न्यूट्रिएंट्स है इसके साथ वो बह जाते हैं, ठीक है, रन ऑफ जब होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, सीट इरोजन। नेक्स्ट, क्या लिख रहे हो भाई? माँ का लाडला, CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन। मोहित जायसवाल, मनीष पटेल जी ए ऑप्शन।
बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बल्क डेंसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर सॉयल वेविंग 1.4 mg इज, मीन्स आप देखिए इसका जो फार्मूला है वो है वेट ऑफ सॉयल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉयल, वेट ऑफ द सॉयल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉयल। वेट कितना है? वेट 1.4 और वॉल्यूम 1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.4 आएगा, 1.4 और 1.40 सी ऑप्शन है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिख रहे हो भाई? राकेश सर को जानते हैं? राकेश सर कौन? समोदपुर। राकेश सर भैया पढ़ाए हमको समोदपुर में, SGS इंटर कॉलेज में। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉयल इज अबाउट, जो ड्राई सॉयल है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहले तो आप ये जानिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। जैसे 1 ग्राम सॉयल है, सपोज मान लीजिए 1 ग्राम सॉयल जो है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 ग्राम सॉयल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। साथ ही साथ 1 ग्राम वाटर उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, मीन्स 1 ग्राम जो सॉयल है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने का और 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने का जो रेशियो होगा वो सॉयल की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो आप याद रखिएगा, ड्राई सॉयल की स्पेसिफिक हीट 0.2, ठीक है, यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर ग्राम। और जो ह्यूमस होता है उसका 0.5 कैलोरी पर ग्राम। साथ ही साथ जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम। तो जो ड्राई सॉयल है 0.2 कैलोरी पर ग्राम, 0.5 कैलोरी पर ग्राम जो है वो ह्यूमस की, और 1 कैलोरी पर ग्राम वाटर की। कोई डाउट हो तो पूछिए क्वेश्चन। अच्छा, आप भी वहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगा, है ना, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर से। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है, नाइट्रिफिकेशन इनहेबिटेड मीन्स रोकना। नाइट्रिफिकेशन जो है वो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाइट्रिफिकेशन को चेक करता है, रोकता है, इनहेबिट करता है? पहला है मस्टर्ड का केक, मीन्स सरसों की खली। दूसरा है लिनसीड केक। तीसरा है नीम केक। और चौथा है ग्राउंड नट केक। तो ग्राउंड नट केक में आप याद रखिएगा, ग्राउंड नट केक में 7.3% नाइट्रोजन और 1.4% फास्फोरस, 1.2% पोटास पाया जाता है। ग्राउंड नट केक का जो NPK रेशियो है वो 7.3, 1.4 और 1.4 है, याद रखिएगा। नीम केक जो है ये नाइट्रिफिकेशन को इनहेबिट करता है, नाइट्रिफिकेशन को रोकता है। और यदि नीम केक आप राइस के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, नाम किसे जानते हैं? T59 के नाम से वर्णों को जाना जाता है। यू ट्राइंगल अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यू ट्राइंगल जो है वो ब्रेसिका से संबंधित है, नागाहेरू ने दिया था। साथ ही साथ 00000 पूछे किससे संबंधित है, तो कैनोला से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, वर्टिसाल ऑर्डर में कौन सी सॉयल आती है? ब्लैक सॉयल आती है। अब बताइए, ब्लैक सॉयल जो है वो वर्टिसाल ऑर्डर में आती है, तो ब्लैक सॉयल कहाँ कहाँ पाई जाती है? अगर ये आप जानते होंगे तो इसका आंसर सही कर देंगे। वर्टिसाल ऑर्डर में ब्लैक सॉयल आती है, वर्टिसाल, ठीक है, वर्टिसाल ऑर्डर जो सॉयल ऑर्डर है उसमें ब्लैक सॉयल आती है, तो ब्लैक सॉयल कहाँ पाई जाती है, ये आंसर करिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर करिए भाई।
नीम केक भाई स्लो चल रहा है क्या? आप लोग थोड़ा सा बताइए। वर्टिसाल सॉइल एडर पूछ रहे हैं, वर्टिसाल सॉइल एडर आंसर करिए। शिवम कुमार जी बी ऑप्शन, ब्रजेश जी बी ऑप्शन, मोहम्मद जैद जी बी ऑप्शन कर रहे हैं। हाँ मध्य प्रदेश सही है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ब्लैक कॉटन सॉयल जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सॉयल का ब्लैक कलर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और वोल्केनिक इरप्शन से मीन्स ज्वालामुखी के विस्फोट से इस मृदा का निर्माण हुआ, बेसाल्ट रॉक से। इसको भी याद रखिएगा, कॉटन के लिए सबसे अच्छी मृदा है। इसको रेगुर सॉयल के नाम से भी जाना जाता है और अर्ली सॉयल के नाम से भी जाना जाता है। माउंट मोरिनो नाइट खनिज की अधिकता, माउंट मोरिनो नाइट और बेडीलाइट खनिज की अधिकता होती है, ये भी याद रखिएगा। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को चलाने में कठिनाई होती है क्योंकि ये हैवी सॉयल हैवी सॉयल इसलिए क्ले का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस ये मृदा जब सूखती है, नमी की कमी होती है, तो मोटी मोटी इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला है, द रेड पिगमेंटेशन ऑफ राइप टोमेटो फ्रूट इज बिकॉज ऑफ, मतलब जो टमाटर का पका हुआ फल होता है उसका लाल कलर क्यों होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। टमाटर का पका हुआ फल जो है उसमें लाल कलर किसके कारण होता है? पहला है कैरोटीनॉइड्स, दूसरा एंथ्रोसाइनस, एंथ्रोसाइनिन होना चाहिए, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन, उसके बाद फिर लाइकोपिन और फिर नन ऑफ द एबव। आंसर करिए जरा, कौन सा आंसर सही है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तब तक हम आपको बता देते हैं, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। चुकंदर में बीटा साइनिन के कारण रंग होता है। जितने भी फल हैं जो रंगीन होते हैं वो एंथ्रोसाइनिन के कारण उनका रंग होता है। फालसा का जो जामनी का फालसा का जो पर्पल रंग है वो भी एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्साइसिन के कारण होता है, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। टमाटर में जब ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो टमाटर का रंग लाल हो जाता है। टमाटर में जो लाइकोपिन का फॉर्मेशन है वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, और जब टेम्परेचर 27 से ऊपर जाता है, 27 के ऊपर बढ़ने लगता है, तो लाइकोपिन का कंटेंट घटने लगता है। टमाटर को टमाटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुनिए। लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम साइंटिफिक नेम है, जान ही रहे, पेरू ओरिजिन प्लेस है। अगर हाइब्रिड टोमेटो है तो 125 से 175 ग्राम सीड रेट लगता है, और अगर देसी है तो 350 से 450 ग्राम। इसका 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग है, 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। डबल ट्रांसप्लांटिंग टोमेटो में ज़्यादा सक्सेस है, ये भी आप याद रखिएगा। टोमेटो को वूल पेपल, विलायती बैगन, प्रोटेक्टिव फूड और एप्पल ऑफ लव या सिंबल ऑफ लव ब्रिटेन में कहते हैं। ये C3 प्लांट है, साथ ही साथ डे न्यूट्रल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, हर्बेसियस प्लांट है और वार्म सीजन की वेजिटेबल है, ठीक है। नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टोमेटो की होती है। टोमेटो से जो प्रोसेस्ड फूड बनते हैं खाने के लिए, वो केचप है, प्यूरी है, टोमेटो का जूस है, टोमेटो का सॉस है और इसकी चटनी है, ये सारे बनते हैं। सोडियम बेंजोएट इसके प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। ये टोमेटो को आप आर्टिफिशियली पका रहे हैं तो इथेराल हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, 1000 से 2000 PPM इसका स्प्रे बनाकर छिड़काव कर देते हैं मेच्योरिटी स्टेज पे, और रूम टेम्परेचर पे रख के करते हैं, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे और उसमें फिर इथेराल का छिड़काव कर देंगे। यदि टोमेटो में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 से 5 PPM 2,4-D का छिड़काव कर देंगे, साथ ही साथ PCPA का भी छिड़काव करते हैं, पैरा क्लोरोहाइड्रोक्सी एस्टिक एसिड PCPA का छिड़काव करते हैं, इससे भी जो है वो फ्लावरिंग बढ़ जाती है। टोमेटो की वरायटियाँ पूसा रूबी है और पूसा गौरव है, अर्का सौरभ है, हिसार ललित है, सिलेक्शन 120 है, अर्का वरदान है, ये सारी की सारी टोमेटो की वरायटी है। पंजाब छुहारा है, टिप टॉप है, सियाक्स है, इम्प्रूव मेरिटी है, पंजाब छुहारा, अंगूर लता, ये सारी की सारी वरायटियाँ टोमेटो की हैं, जिसमें से सिलेक्शन 120 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निमेटोड रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ अर्का वरदान भी निमेटोड रेजिस्टेंस है। काशी अमूल भी टोमेटो की वरायटी है, याद रखिएगा। टोमेटो फ्रूट को निमेटोड से बचाने के लिए गेंदे की इंटरक्रॉपिंग, मैरीगोल्ड क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। टोमेटो में डिसऑर्डर लगते हैं कई सारे, एक तो फ्रूट क्रैकिंग लगता है बोरान की कमी से, ब्लॉसम इन रॉट लगता है कैल्शियम की कमी से, पफीनेस हो जाता है,
पफिनेस या फिजीनेस हो जाता है इसमें। पफिनेस ड्यू टू इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, मीन्स पॉलिनेस अगर सही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन सही नहीं होगा, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से पफिनेस हो जाता है। गोल्डन फ्लेक भी हो जाता है पोटेशियम की कमी से, ये भी आप ब्लॉची राइपेनिंग पोटेशियम की कमी से या नाइट्रोजन की कमी से गोल्डन फ्लेक भी होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे टोमैको में ब्लॉची राइपेनिंग, वो सनलाइट का भी फैक्टर इस पर काम करता है। टोमेटो में एक फर्न लीफ डिजीज होती है जो वायरस से होती है, अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट सेम एज पोटैटो जैसे है वैसे टोमेटो में भी होती है। टोमेटो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, हो जाएगा प्रश्न। अब कैरोटीन लाइकोपिन के कारण जो है वो रंग जो है लाल रंग का होता है। द फर मेथड ऑफ क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन इवॉल्व एट, फर्म मेथड कहाँ पर खोजा गया या प्रश्न पूछ रहा है, फर्म मेथड क्या है? फरो इरीगेशन रेज बेड, फरो इरीगेशन रेज बेड जो टेक्निक है ये व्हीट में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? व्हीट में यूज की जाती है। और ये टेक्निक जो खोजी गई वो करनाल में, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, पहले पुराना नाम है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च से ये टेक्नोलॉजी खोजी गई। व्हीट के प्रोडक्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल है, मीन्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस मेथड से। नेक्स्ट, सल्फोसल्फ्यूरान इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब सल्फोसल्फ्यूरान की जगह हम इनमें से कौन सा हर्बिसाइड और यूज कर सकते हैं? पहले तो आपको ये पता ही होगा सल्फोसल्फ्यूरान का यूज़ जो है वो फेलरिस माइनर को किल करने में, गेहूं का मामा जिसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं उसको किल करने में यूज किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरान की जगह इनमें से और कौन सा केमिकल यूज हो सकता है प्रश्न पूछ रहा है। ब्यूटाक्लोर या मचेटी राइस में यूज करते हैं, आप सभी को पता है राइस में ब्यूटाक्लोर या मचेटी का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, फ्लूरो मेट्यूरान के स्थान पर या आइसोप्रोट्यूरान के स्थान पर, तो आइसोप्रोट्यूरान के स्थान पर ही सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है व्हीट में। क्लियर, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, सी ऑप्शन सही है, जितने लोग भी सी ऑप्शन दे रहे हैं सब सही है। अगला है, वेजिटेटिव लॉग फेज इज फाउंड इन, वेजिटेटिव लैग फेज किसमें पाया जाता है? पहले तो ये बता देते हैं ये लैग फेज होता क्या है। लैग फेज होता है, राइस में एक स्टेज होती है आप जानते होंगे टीलरिंग स्टेज, टीलरिंग स्टेज जब समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसी समय ये मान लिया जाता है कि वेजिटेटिव स्टेज जो है क्रॉप की समाप्त हो गई। देखिए, किसी भी क्रॉप में अगर मुख्य रूप से डिवाइड करें तो तीन स्टेज हमें मिलेगी। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वेजिटेटिव स्टेज में, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, और फिर मेच्योरिटी स्टेज होती है। तो जैसे ही वेजिटेटिव स्टेज खत्म होती है, मतलब टिलरिंग स्टेज खत्म होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है। टिलरिंग स्टेज के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज, जैसे ही टिलरिंग स्टेज समाप्त होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होता है, तो टिलरिंग स्टेज जहाँ पे समाप्त होता है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होता है, इसके बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं लैग फेज। ये मतलब एक्टिव टिलरिंग स्टेज जहाँ पे समाप्त होता है, जब राइस में टिलर्स बनना बंद हो जाए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाए, तो टिलर बनना जिस समय बंद होता है वो, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है उसके बीच का जो समय है वो लैग फेज कहलाता है। और ये लैग फेज केवल पुरानी वैरायटियां जो इंडिजीनस वैरायटियां उसी में ही है, जो नई वैरायटियां हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं उन सब में वेजिटेटिव लैग फेज नहीं पाया जाता, ना के बराबर ये स्टेज है। तो प्रश्न पूछ रहा है वेजिटेटिव लैग फेज इज फाउंड इन, तो ओल्ड इंडिजीनस जो वैरायटी हैं, पुरानी वैरायटियां राइस की, उसी में लैग फेज पाया जाता है, यह याद रखिएगा। इसी में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है, उसमें एक कृषक फेज है, कृषक फेज संबंधित है BLB से, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस से। नेक्स्ट, ग्रेन क्रॉप ऑफ सोरगम शुड बी सोन इन, सोरगम का जो ग्रेन क्रॉप है वो कब बोया जाता है, मतलब अगर दाने के लिए आप सोरगम को उगा रहे हैं तो उसको कब उगाएंगे? पहले तो आप याद रखिएगा सोरगम की जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी वो CSH1 है। कौन सी है? CSH1। और सोरगम को अगर ग्रेन के लिए उगा रहे हैं तो जुलाई में उगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज रिच इन गोल्डन राइस,
गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? ए बी सी के, बताइए, आंसर करिए। विटामिन ए सबसे अधिक होता है, ई सी के कौन सा? राज पूछ रहे हैं सर कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर है, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। KGF किंग जी ए ऑप्शन दे रहे हैं। मोहित जायसवाल CSA यूनिवर्सिटी ए ऑप्शन। ब्रिजेश ए ऑप्शन। अमरेश ए ऑप्शन। दिवाकर पाल ए ऑप्शन। विवेक राजन ए ऑप्शन। अमरेश यादव ए ऑप्शन। हाँ मोहित जी भी ऑप्शन। शिवम कुमार जी ए ऑप्शन। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन ही सही है, ठीक है। और रोहित यदुवंशी जी भी ए ऑप्शन कर रहे हैं। विवेक राजन, अमरेश यादव, ऑप्शन ए, सबका आप सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए है उसमें, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, सोइंग ऑफ कुकर बीट्स एट द टाइम ऑफ अर्दिंग इन पोटैटो क्रॉप फील्ड इज नोन एज, मीन्स आलू की जो खेती है, आलू की खेती जब करते हैं तो उसमें अर्दिंग अप करते हैं, मतलब मिट्टी चढ़ाते हैं 40 से 45 दिन बाद। तो अर्दिंग अप करते समय अगर कुकरबिटेसी फैमिली के क्रॉप्स का सीड हम बो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा, या पैरेलल क्रॉपिंग कहलाएगा, या रिले क्रॉपिंग कहलाएगा, या सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाएगा। तो आप सभी को पता है कि एक क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले दूसरे क्रॉप को बो देना वो क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए। चलिए, KGF किंग जी कह रहे हैं सर पढ़ाते हैं तो मज़ा आ जाता है हमारे लिए और संस्था के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपका बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से भी और संस्था की तरफ से भी। पडलिंग ऑपरेशन इज डन इन, पडलिंग ऑपरेशन किस में होता है? पडलिंग राइस में होता है, या व्हीट में, मेज में, या पर्ल मिलेट में? तो देखिए, मेज में जो प्रोसेस होती है वो, एक तो सिल्किंग, सिल्किंग क्या होता है, जब मेज में फीमेल फ्लावर निकलता है तो उसको हम सिल्किंग बोलते हैं उस क्रिया को, और मेल फ्लावर जब निकलता है तो उसको टेस्लिंग बोलते हैं। टेस्लिंग, मेल फ्लावर निकलता है, और साथ ही साथ इसको अगर फीमेल फ्लावर को हटा रहे हैं तो डी सिल्किंग, और मेल को हटा रहे हैं तो डी टेस्लिंग, ठीक है। व्हीट में, राइस में देखिए क्रियाएं होती हैं, एक तो राइस में पडलिंग होती है, पहला क्या है? पडलिंग है ही। दूसरा राइस में मीलिंग, मीलिंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है, मीलिंग। और राइस से एक क्रिया संबंधित है ब्रूसनिंग, साथ ही साथ राइस से संबंधित है पर बॉयलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है पर बॉयलिंग। जो पर बॉयलिंग है वो किससे संबंधित है? पर बॉयलिंग राइस से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। पर बॉयलिंग एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि धान का जो मीलिंग है उससे पहले, मीलिंग मतलब छिलका उतारने की प्रोसेस, धान की मीलिंग के पहले पानी में थोड़ा सा हीट देके इसको, राइस को हीट गर्म पानी में डालते हैं, जिससे क्या होता है, इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो मीलिंग करते समय राइस टूटता है, ठीक है, ब्रेकिंग होती है जो ग्रेन में वो नहीं होती। पहला पर बॉयलिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, साथ ही साथ इसकी जब मीलिंग करते हैं तो राइस जो है वो टूटता नहीं है, साबुत चावल हमको ज़्यादा मिलता है, ये पर बॉयलिंग का दो बेनिफिट है। तो पर बॉयलिंग, मीलिंग और ब्रूसनिंग, पडलिंग सब जो है वो राइस से संबंधित है। आपको याद ये रखना है पर बॉयलिंग करता क्या है, क्यों करते हैं पर बॉयलिंग को? परकुलेशन रोकने के लिए, परकुलेशन को रोकने के लिए राइस में परवालिंग करते हैं। परकुलेशन है क्या? परकुलेशन ये है कि जो अपर सरफेस है सॉयल की, उससे जो वाटर है, पानी हमारा, वो लोअर सरफेस में न चला जाए, बियॉन्ड द रूट जोन, मीन्स इतना लोअर सरफेस में पानी इंटर कर जाए कि रूट जोन, जो राइस का प्लांट का जो रूट है उसको अपटेक न कर पाए, ठीक है। तो जो परकुलेशन है उसको बचाने के लिए, परकुलेशन और लीचिंग को चेक करने के लिए, हम मेनली जो चीफ ऑब्जेक्टिव हो परकुलेशन को रोकना है, परकुलेशन को रोकने के लिए पडलिंग करते हैं। वीड को भी ये नष्ट करता है, परकुले जो पडलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है? पहला है राइजोबियम जैपोनिकम, दूसरा राइजोबियम मीली लोटी है ये,
सी हटा दीजिएगा, मिली लोटी। अगला राइजोबियम ट्राइफ्लाई और अगला है राइजोबियम लेगुमिनेसोरम। तो राइजोबियम लेगुमिनेसोरम जो है ये पी में यूज होता है, लेंटिल में यूज होता है, और ये रेड ग्राम मतलब अरहर में यूज होता है, ठीक है, और लेगुमिनस क्रॉप्स में यूज होता है। राइजोबियम ट्राइफ्लाई बरसीम में यूज होता है, बरसीम, बरसीम की सीड रेट 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बरसीम का सबसे हार्मफुल बीड जो है वो चिकोरियम एंटिवस है, कासनी, और कासनी को बरसीम के सीड से अलग करने के लिए नमक का घोल का प्रयोग करते हैं, और कासनी के सीड का काफ़ी पाउडर बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। काफ़ी जो ये बरसीम है इसकी वैरायटी जो है वो IGFR 123 और मिसकावी, खदरावी, छिंदवाड़ा और इंदौर, इंदौरपुरी इसकी वैरायटियाँ हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बरसीम को कवर क्रॉप्स के रूप में उगाते हैं, कवर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो मॉइस्चर का कंजर्वेशन साथ ही साथ सॉयल का कंजर्वेशन करती हैं, इरोजन इनसे नहीं होता है। राइजोबियम जैपोनिकम का यूज करते हैं किसमें, सोयाबीन में, साथ ही साथ ग्राउंड नट में भी, ग्राउंड नट और सोयाबीन में किसका यूज करते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम का, और राइजोबियम मिलीलोटी का मिलीलोटस अल्बा में और लूसर्न में यूज करते हैं। लूसर्न का जो है वो, लूसर्न को हिंदी में रीजिका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जीरो टिल सीड ड्रिल वाज डेवलप्ड इन, जीरो टिल सीड ड्रिल ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो गया है, पंत नगर में ये इन्वेंट हुआ है। और अगर जीरो टिल सीड ड्रिल से आप बुआई करते हैं राइस के बाद, जस्ट राइस के जस्ट बाद वीट की सोइंग होती है जीरो टिल सीड ड्रिल से, अगर राइस के बाद वीट की सोइंग करते हैं आप तो 10 से 15 दिन पहले अर्ली सोइंग हो जाती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि यदि हम जीरो टिल सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं तो कितना दिन अर्ली सोइंग हो जाएगी हमारी, तो 10 से 15 दिन पहले बुआई हम कर सकते हैं जीरो टिल सीड ड्रिल का यूज यदि कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा वीरिडी इज यूज्ड इन चिकपी टू कंट्रोल। पहले देखिए ट्राइकोडर्मा वीरिडी ये बायोफंजीसाइड है, क्या है, बायोफंजीसाइड मतलब जैव कवकनाशी। एक और बायोफंजीसाइड है ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम, एक तो ट्राइकोडर्मा वीरिडी है, ट्राइकोडर्मा वीरिडी लिखा हुआ है, दूसरा है ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम। ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम जो है इसकी 4 ग्राम मात्रा, 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ये लेगमिनस क्रॉप्स में विल्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। लेगमिनस क्रॉप्स में जैसे आपका पी है, रेड ग्राम है, मीन्स अरहर और चने में, अरहर और चने में ये रेड ग्राम यूज होता, रेड ग्राम और ग्राम में यूज होता है 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, कौन, ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम। किसको कंट्रोल करता है, विल्ट डिजीज को। तो ट्राइकोडर्मा वीरिडी भी किसको कंट्रोल करता है, विल्ट डिजीज को, ठीक है। और याद रखिएगा ये बायोफंजीसाइड है, क्लियर, ठीक। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, समोदपुर में भी पढ़े हैं, चलिए अच्छी बात है। इस समय कहाँ पे हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हार्ड फ्रूट इन सिट्रस इज केज्ड बाय डिफिशियंसी। आपने देखा होगा कभी कभी सिट्रस का जो फ्रूट है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, वो किस कारण से होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। नींबू के फल में कठोरपन का कारण है, पहला सल्फर, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा बोरान, चौथा कॉपर। तो नींबू का जो कठोरपन का कारण है फ्रूट में, कौन सा है, आप आंसर करिए। देखिए हम जो है वो फ्रूट नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रूट क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आकासीन एक डिसऑर्डर होता है मूली मुस्के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रॉप रॉट, हर्ट रॉट, ब्राउन रॉट, क्राउन रॉट, ये रूट क्रॉप्स में होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और बोरान की यदि कमी हो जाए तो क्या होता है, कॉलीफ्लावर में हालो स्टेम हो जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी याद रखिएगा। और टोबैको में टॉप सिकनेस भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है, और बोरान की कमी के लक्षण पौधे की टर्मिनल बट पे CA और B, कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण पौधे की टर्मिनल बट्स पर दिखाई देते हैं। बोरान पॉलन जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल एलिमेंट है, साथ ही साथ बोरान शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए हेल्पफुल है। शुगर ट्रांसलोकेशन और पॉलन जर्मिनेशन या पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए बोरान रिस्पॉन्सिबल है, ये आप याद रखिएगा। बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरान को नॉन मेटल माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस शुगर केन रेटून इज, राइस शुगर केन रेटून क्रॉप कितनी हो गई आपकी, 3। क्रॉप कितनी हो गई, फसलों की संख्या 3। फसलों द्वारा लिया गया समय राइस 1 ईयर, शुगर केन 1 ईयर, रेटून 1 ईयर, 3 ईयर। फार्मूला क्या है, फसलों द्वारा
फसलों की संख्या, मीन्स नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन टाइम टेकन बाय क्रॉप्स, मतलब फसलों की संख्या और फसलों द्वारा लिया गया समय, इंटू 100, मीन्स फसल और फसलों की संख्या कितनी हो गई, तीन, राइस, सुगर केन और रेटून, रेटून मतलब होता है पेड़ी, ठीक है, गन्ने की जो पेड़ी लेते हैं वो रेटून है, और पेड़ी केवल एक ही बार ली जाती है, भी आप ध्यान रखिएगा। पूछता है कि इकोनॉमिक अगर मीन्स बेनिफिशियल हमें अगर रेटून लेना है तो कितना रेटून लेना बेनिफिशियल रहता है गन्ने में, तो ओनली वन, ठीक है। तो फसलों की संख्या तीन, फसलों द्वारा लिया गया समय तीन वर्ष इंटू 100, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, कमेंट करिए, इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कमेंट करिए, देखना चाहते हैं 3/3 × 100 कितना हो जाएगा, कमेंट करिए, कमेंट करो भाई, इसको सॉल्व करिए, 100% इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो चल रहा है क्या आप लोग के पास, अच्छा आ तो गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कृषि ज्ञान केंद्र इज फंडेड बाय, कृषि ज्ञान केंद्र को स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, अगर यही होता कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, तो केवीके की फंडिंग आईसीआर करता है। केवीके सबसे पहला पांडुचेरी में 1974 में खोला गया, मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर खोला गया। केवीके का सक्सेस का क्रेडिट जो है वो चंद्रिका प्रसाद को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय भारत में 722 केवीके हैं और 722 केवीके को 11 अटारी गवर्न करता है। अटारी क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अटारी किसके अंडर में काम करता है, अटारी काम करता है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ICAR, ICAR के अंतर्गत डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो है वो उसके अंतर्गत अटारी काम करता है, अटारी जो है वो केवीके को गवर्न करता है, साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ भी केवीके को गवर्न करती हैं, ठीक है। केवीके का काम क्या है, केवीके नीड बेस्ड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, मीन्स जिस व्यक्ति को जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए उस तरीके की ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है। और वो ट्रेनिंग कैसी होती है, व्यावसायिक, और क्या है, प्रायोरिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, मीन्स जिनके पास कम लाभ पहुंचा है सरकारी योजनाओं का, उनके उनको प्राथमिकता देना, ये केवीके का काम है। नेक्स्ट अगला है, केवीके की फंडिंग आईसीआर करता है, भी याद रखिएगा। एवरेज सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में सेलिंग परसेंटेज क्या होता है, ग्राउंड नट में जो एरेक्विस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा है, फेस्टिगाटा मतलब बंच टाइप की जो सेलिंग परसेंटेज है वो है 70 से 80%, 70 से 80। स्प्रेडिंग टाइप का है 60 से 65, स्प रेडिंग टाइप का सेलिंग परसेंटेज कितना है 60 से 65। ग्राउंड नट में जो आयल परसेंटेज है वो है 42 टू 45 आयल परसेंटेज, साथ ही साथ प्रोटीन का कंटेंट कितना है 25.5, ये प्रोटीन का कंटेंट है। और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है 10.2%। अब इसकी खली में NPK N जो है वो 7.3%, कितना पाया जाता है 1.4%, और K कितना पाया जाता है 1.2%। ग्राउंड नट केक में NPK 7.3, 1.4, 1.2 ये परसेंट में है सब। और 70 से 80% सेलिंग परसेंटेज एरेकिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा में, और एरेकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोक्यूमेंट्स में 60 से 65%, 42 से 45% आयल, 25.5% 26 आपको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट है 25.5% ऑयल और 10.2% कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक डिजीज लगती है टिक्का डिजीज, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण लगती है, और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा RHD कोला दो लगती है, अर्ली टिक्का लेट टिक्का। साथ ही साथ इसमें एक डिजीज लगती है रोसेट डिजीज, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें एक इंसेक्ट लगता है व्हाइट ग्रब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रात में डैमेज करता है, ठीक, इवनिंग में उस डैमेज करता है, रूट को कट कर देता है, प्लांट सूख जाता है। अगर जो ग्राउंड नट है उसमें दाने कम बन रहे हैं तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी है। इस ये जो दाना ना बनना एक डिसऑर्डर कहलाता है, उसका नाम है पॉपिंग नामक डिसऑर्डर जो है वो कैल्शियम की कमी से लगता है। इसका छिलका CaCO3 से बना हुआ होता है। इसमें एक प्रोसेस होती है पैगिंग क्या है, जो पेग होते हैं उनका सॉयल के अंदर इंटर करना, वो प्रक्रिया पैगिंग कहलाती है। और पैगिंग के कारण ही ये 100% सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी ग्राउंड नट के बारे में, इंपॉर्टेंट थी, आप इसको याद रखेंगे। और इसके स्टोरेज में एक डिजीज लगती है
जो कि स्टोरेज फंजाई के कारण लगती है, वो कमेंट करके आप हमको बताइए। अगला है एवरेज जीनिंग परसेंटेज ऑफ अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन का एवरेज जीनिंग परसेंटेज जो है वो 25 से 30% होता है। ये 25 और 30 अलग अलग कर दिए हैं, 25 से 30 आप लिख लीजिएगा, 25 से 30% होता है। ठीक है, अमेरिकन कॉटन में 25 से 30% होता है, और देसी कॉटन जो होता है उसमें उसमें कितना होता है, 30 से 40%। देसी कॉटन में 30 से 40% होता है, अमेरिकन कॉटन में 25 से 30% होता है। बी ऑप्शन सही है। कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी H4 है। CT पटेल द्वारा गुजरात एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो है वहाँ पर, गुजरात में एक रिसर्च स्टेशन है कॉटन के लिए, वहाँ पर डेवलप की गई CT पटेल द्वारा 1970 में H4 नामक वैरायटी है। सबसे पहली जो BT कॉटन की को डेवलप किया वो CD माइंड ने डेवलप किया, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बारबडेंस कॉटन जो है उसका सबसे ज्यादा लंबा रेशा होता है, इसको भी याद रखिएगा। ओल्डेस्ट कमर्शियल क्रॉप है कॉटन, इसको भी आपको याद रखना है। सीड रेट ऑफ समर मूंग क्रॉप, इस समर मूंग क्रॉप की सीड रेट कितनी होती है, कमेंट करिए, आंसर करिए। तब तक हम आपको बता देते हैं, यदि मूंग की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर बीज लगेगा। ठीक है, और अगर आप सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं, सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो सोल क्रॉपिंग में बीज दर लगता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर सोल क्रॉपिंग में, साथ ही साथ इंटर क्रॉपिंग में 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, और अगर आप समर क्रॉप ले रहे हैं तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। ओके, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट, विच वैरायटी आप बारले, बारले है बार के कर दिए हैं, बारले कर लीजिएगा। विच वैरायटी आप बारले इज ग्रोन फॉर माल्ट पर्पज। माल्ट पर्पज के लिए, माल्ट क्या होता है, माल्ट एक टानिक टानिक के टाइप का बनता है, और माल्ट से फिर फर्मेंट करके वाइन भी बनाई जाती है। तो माल्ट के लिए जो वैरायटी है वो कौन सी है, तो माल्ट के लिए एक वैरायटी आप याद रखिएगा यूज होती है अल्फा 93। अल्फा 93 ये माल्ट के लिए यूज होने वाली वैरायटी है। साथ ही साथ जो रीतांबरा है ये भी माल्ट के लिए यूज होती है, और माल्ट में जो नमी होती है वो 17% होती है, इसको आपको याद रखना है। माल्ट में नमी कितनी होती है, 17%। बारले का दो टाइप है, 2 रो बारले, 6 रो बारले। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, 2 रो बारले और 6 रो बारले। 6 रो बारले जो है वो वाइडली ग्रो होता है। ठीक है, हाइडेरियम बुल्गेरे साइंटिफिक नेम है, और इसकी आप वरायती याद रखिएगा, गीतांजलि डोलमा करण 18, ये इसकी वरायती है, किरण क्लीपर, ये सारी की सारी जो वरायटी है वो किसकी है, बारले की। नेक्स्ट, अगला है द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया के लिए सबसे सुटेबल क्रॉप कौन सी है, वाटर लॉक्ड एरिया के लिए सबसे सुटेबल क्रॉप, पहला पटसन, जूट, गेहूं और अलसी। तो अलसी है नहीं और पटसन भी नहीं है, वाटर लॉक्ड में वीट भी नहीं हो सकता है, तो सबसे सुटेबल क्रॉप जो है वो जूट है, वेस्ट बंगाल में होता है, बारिश सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। वीट जो जूट है वो, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं और काटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। जूट जो है वो मोस्टली ग्रो किया जाने वाला फाइबर क्रॉप है इंडिया में। आज का ये सेशन समाप्त हुआ। इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए कि मॉर्निंग में MSCAG का बैच सुबह चल रहा है 9 बजे से, नया बैच है, जिसको ज्वाइन करना है आपके फ्रेंड सर्किल में वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ओल्ड बैच है वो तो कंटिन्यू रन कर ही रहा है, और अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस पे BSCAG 4 ईयर का जो सिलेबस है उसको कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप जो मॉर्निंग वाला बैच, नया बैच चल रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए 9415-25-25-72 कॉन्टैक्ट नंबर है संस्था का, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं इस पर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। अच्छा, 1 मिनट, हाँ, अमरेश यादव बता रहे हैं सोल क्रॉप बता दीजिए। सोल क्रॉप वो क्रॉप होती है जब किसी खेत में हम केवल एक ही कोई मुख्य क्रॉप ले रहे हो, उसमें कोई इंटरक्रॉपिंग ना हुई हो। ठीक है, मतलब मिश्रित फसल ना हो, केवल एक ही क्रॉप कोई सिंगल ले रहे हैं तो वो सोल क्रॉप है। ठीक है, मुख्य फसल जिसको बोलते हैं, अगर आप मुख्य फसल के रूप में उगा रहे हैं सोल क्रॉप के रूप में, तो सीड रेट हर क्रॉप की अलग होगी, इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो सीड रेट कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए सेशन को। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिए, अधिक से अधिक लोगों तक संस्था को पहुंचाइए, अपने परिवार को बड़ा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।